सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए अपडेट के साथ। आईटीआई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, डीजीटी द्वारा नया अपडेट किया गया है एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पे। अगर आप लॉग इन करते हैं तो दोस्तों, एक लास्ट वीडियो मैंने बताया था आप लोगों को कि आप लोग को एनसीवीटी एमआईएस का सभी आईटीआई इंस्टीट्यूट के एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल को लॉक कर दिया गया है, और उसमें लॉगिन करते वक्त आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी थी। तो दोस्तों, अगर आपने प्रोफाइल अपडेट कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी एक नया अपडेट आ गया है। लेकिन अगर दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द अपडेट कर दें, नहीं तो आपके पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अपना पोर्टल अपडेट कर दिया है तो उसके बाद एक नया उसमें ऑप्शन आ गया है कि कॉलेज की फ़ोटो वहाँ पे अपलोड करनी है, और कॉलेज की फ़ोटो, नॉर्मल फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करनी है, वहाँ पे जियो टैगिंग वाली फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। तो वो आप कैसे अपलोड करेंगे और जियो टैगिंग होता क्या है, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारी वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए, और दोस्तों हमारे Instagram पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन पहले जो है एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल को लॉक कर दिया गया था सभी आईटीआई कॉलेज के, तो वहां पे उन लोगों को अपने प्रोफाइल को फिलअप करना था, जिसमें कि उनके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आता था, दोनों को वेरीफाई करना पड़ता था, तब उनका पोर्टल ओपन हुआ था। लेकिन उसी के चलते कुछ दिनों बाद फिर पोर्टल पे नया अपडेशन कर दिया गया है कि अब यहाँ पे जिनका प्रोफाइल अपडेट हो चुका है तो उनको ओनली जीपीएस जियो टैगिंग वाली फ़ोटो अपलोड करनी है। लेकिन अभी तक जिन आईटीआई कॉलेज वालों ने, आईटीआई इंस्टीट्यूट वालों ने अपनी प्रोफाइल फिलअप नहीं किया है, तो सबसे पहले उनको अपनी प्रोफाइल को फिलअप करना होगा, उसके बाद जियो टैगिंग वाली फ़ोटो अपलोड करनी होगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जियो टैगिंग फ़ोटो होती क्या है। तो दोस्तों, फ़ोटो उस नॉर्मल फ़ोटो ही कही जाती है, लेकिन उस फ़ोटो में आपके जिस भी लोकेशन से आप फ़ोटो को क्लिक करते हैं तो वहाँ की लोकेशन फ़ोटो के साथ इनबिल्ड हो जाती है, मैच हो जाती है। तो जब भी उस फ़ोटो को कोई भी चेक करेगा तो ये वो पता कर सकता है कि इस फ़ोटो को कहाँ से खींचा गया है। तो इसी तरह की फ़ोटो जो है डीजीटी द्वारा एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पे अपलोड करने के लिए कहा गया है कि कॉलेज की आपकी फ़ोटो क्लिक करनी है, साथ में उसमें जियो टैगिंग आ जाए, जीपीएस लोकेशन फीड हो जाए फ़ोटो के साथ। तो उसको कैसे आप करेंगे, तो नॉर्मली जब भी आप नॉर्मल या किसी भी कैमरे में अगर जीपीएस का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप उससे जियो टैगिंग वाली फ़ोटो को खींच सकते हैं। या आजकल सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड फ़ोन में भी आप देखेंगे, पहले तो पुराने एंड्रॉयड फ़ोन में जीपीएस का ऑप्शन आता था, लेकिन आजकल के जितने भी एंड्रॉयड नए वर्जन के फ़ोन है उसमें जीपीएस को हटा के लोकेशन का एक ऑप्शन आता है सेटिंग में। तो फ़ोटो खींचने से पहले सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल का जीपीएस ऑन कर लेना है या लोकेशन को ऑन कर लेना है, और उसके बाद आपको चले जाना है, कैमरा को ओपन कर लेना है और उसमें कैमरा सेटिंग में चले जाना है। तो वहाँ पे लोकेशन टैग होगा या जीपीएस लोकेशन का एक ऑप्शन होगा, उसको भी इनेबल कर लेना है। उसके बाद जो भी फ़ोटो आप अपने मोबाइल कैमरे से खींचेंगे तो उस फोटो के साथ आपकी जीपीएस लोकेशन भी सेट होके आएगी। तो वो आप कैसे चेक करेंगे, आप फ़ोटो की डिटेल्स में जा सकते हैं, फ़ोटो की डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पे लोकेशन का एक ऑप्शन आपके सामने मिलके, डिटेल जब ओपन करेंगे तो एक लोकेशन का टैब आपके सामने आ जाएगा। अगर आपका जीपीएस लोकेशन फ़ोटो में आई है तो वहाँ पे जिस भी लोकेशन से आपने फ़ोटो क्लिक की होगी वो दिखाएगा। अगर आपने जीपीएस ऑन नहीं किया है और नॉर्मल फ़ोटो अगर आप खींचते हैं तो वहाँ पे लोकेशन पे नो लोकेशन दिखाएगा। तो इस तरह से आप ये भी पता कर सकते हैं कि भाई आपने जो भी फ़ोटो खींची है उसमें जियो टैगिंग हुई है कि नहीं हुई है। तो वो आपको डिटेल में जाके लोकेशन चेक कर लेना, अगर वहाँ पे जिस भी लोकेशन से आपने फ़ोटो खींची होगी वो लोकेशन अगर वहाँ पे दिखाता है
तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि भाई जियो टैगिंग फोटो के साथ हो चुकी है। उस फोटो को आपको एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल पे अपलोड कर देना है, आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। और आपका जो भी पोर्टल अभी आप कोई भी वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्रॉपरली अपने एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल पे वर्क कर पाएंगे और इस फोटो को एनसीबीटी एमआईएस के प्रोफाइल पे अपडेट किया जाएगा कुछ दिनों के बाद, ठीक है। तो वहां पे जो भी आप फोटो खींच के लगाएंगे, वो फोटो आपके एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल पे आपके प्रोफाइल में दिखाई जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। और दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ ट्विटर और गूगल प्लस पेज को फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।